everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel CompTutes. In this video, I am going to talk about what are the various government jobs where commerce graduates can easily apply and go for it. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स जो है वो कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर अपना करियर इजिली बना सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम क्लास 11 में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं, जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने कॉमर्स लाइन चूज किया तो आपका मेन एम है क्या, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर ये होता है कि हमने कॉमर्स इसलिए लिया बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम सी ए, या आई वॉन्ट टू डू सी एस, या आई वॉन्ट टू बिकम बैंक मैनेजर, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमें IAS या IPS ऑफिसर बनना है, या कुछ क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें बिजनेस लाइन में जाना, दैट्स वाई हमने कॉमर्स स्ट्रीम जो है चूज़ किया है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हम लोगों को जब हम कॉमर्स की बात करते हैं ना, तो हमेशा हमें तीन चार ऑप्शंस पता होते हैं कि अगर हम कॉमर्स करेंगे तो CA, CS या हम बैंक मैनेजर बन सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम बात करते हैं कि हम कॉमर्स कर रहे हैं, तो हमेशा लोगों के माइंड में मिथ रहता है कि हाँ, अगर इस पर्सन ने कॉमर्स में अपनी स्टडी करी है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो इसके पास सिर्फ दो तीन ऑप्शंस है कि या ये CA कर सकता है, या ये CS कर सकता है, या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या बैंक मैनेजर बन सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होते। बट देर आर सो मेनी ऑप्शंस जहाँ पर कॉमर्स ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपना करियर बना सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले टॉप ऑफिशियल पोस्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि आती है आपकी नंबर वन, दैट इज द UPSC। UPSC है एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हर साल एक बार कंडक्ट करवाती है एग्जाम सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें रिक्रूटमेंट की जाती है फॉर द पोस्ट ऑफ IAS, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, एंड देयर सो मेनी सर्विसेज विच कम अंडर द सिविल सर्विसेज, जिसके लिए कॉमन एग्जाम होता है जो UPSC कंडक्ट करवाती है। इसमें इस एग्जाम में बेसिकली हमारे पास थ्री स्टेजेस कंप्राइजेज होती हैं, दैट इज नंबर वन इज योर प्रीलिम्स, सेकेंड वन इज योर मेंस, एंड थर्ड वन इज योर पर्सनालिटी इंटरव्यू टेस्ट। जो इन तीनों एग्जाम को क्लियर कर जाता है, उसका जो भी रैंक होता है उसके रैंक के अकॉर्डिंगली उसको पोस्ट जो है वो अलॉट करी जाती है। UPSC एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर एक स्ट्रीम का स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। देन सेकेंड आता है हमारे पास IBPS PO। अब IBPS क्या होता है, IBPS इज द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो हर साल इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ PO, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर। IBPS जो है बेसिकली PO के रिक्रूटमेंट करता है, इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके लिए IBPS जो PO का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। इसमें भी आपके पास थ्री स्टेजेस होती हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वन इज योर प्रीलिम्स, सेकेंड वन इज योर मेंस, एंड थर्ड वन इज योर पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं SBI PO। IBPS के अंदर ऑलमोस्ट सारे पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, बट SBI जो अपना एग्जाम इंडिविजुअली कंडक्ट करवाता है। अब SBI PO का एग्जाम क्लियर करने के लिए भी आपके पास थ्री स्टेजेस होती हैं कि आपको पहले प्रीलिम्स देना पड़ता है, फिर आपके पास मेंस आते हैं, फिर आपके पास पर्सनालिटी इंटरव्यू टेस्ट होता है। इन दोनों में यानी IBPS PO या SBI PO, इनमें जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी वो 50,000 to 60,000 के अराउंड पर मंथ की जो रेंज में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ वन, दैट इज UPSC CDS। अब CDS होता है बेसिकली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। UPSC साल में दो बार जो है वो CDS का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो इंडियन आर्मी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए UPSC हर साल में दो बार जो है वो CDS का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जो कि है GIC। GIC इज अ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। GIC हर साल एक बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल वन ऑफिसर। इसमें रिक्रूटमेंट की जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, या लीगल डिपार्टमेंट के लिए, या CA और CS की यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है, और अकाउंटेंट्स की भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे ईजी होता है कि यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ता है, जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर इंटरव्यू होता है। GIC एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब है उन स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर अपना करियर इंश्योरेंस सेक्टर में जो है वो बनाना चाहते हैं। देन इसके बाद सिक्स्थ आता है आपके पास LIC। LIC इज योर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन।
LIC भी हर साल एक दो बार जब एग्जाम कंडक्ट करवाता है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट क्लर्क के लिए, जहाँ पर कॉमर्स ग्रेजुएट्स जब अपना करियर बना सकते हैं। इसका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है और इसके साथ साथ LIC आपको वेरियस पर्क्स और इंसेंटिव्स भी जो है वो प्रोवाइड करता है। जो भी स्टूडेंट्स अपना कर इंश्योरेंस सेक्टर में बनाना चाहते हैं वो लोग LIC और GIC में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर अपना करियर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास FCI। FCI इज योर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI भी टाइम टू टाइम पर वैकेंसी निकालते रहते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए या फिर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, जहाँ पर BCOM स्टूडेंट्स जो है वो इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम थे नेशनल लेवल एग्जाम थे। अब कुछ एग्जाम आपके स्टेट लेवल के भी होते हैं, जैसे कि हरियाणा में HSSC होता है, जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या UPSC होता है, जैसे जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पर आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है वो ज्यादा होता है। वाई बिकॉज वहां पर स्टेट कैंडिडेट को जो है वो पहले प्रेफरेंस दी जाती है। उसके अलावा जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलती रहती है अकाउंट्स ऑफिसर की, सेक्शनल ऑफिसर की, डिवीजनल अकाउंटेंट की, जहाँ पर आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। सो दीज आर ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स वेयर कॉमर्स ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई एंड मेक देयर करियर ऑन दीज रिस्पेक्टिव जॉब्स। द ओनली थिंग यू नीड इज द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर दीज एग्जाम एंड कैन सिक्योर योर career. So this is all about today's video. I hope this video is helpful for all of you, and if this video is helpful then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters a lot. And also do hit the like button and do share this video to your friends and classmates too. Thank you, bye bye and take care.